गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी हम सभी को घर गृहस्थी से संबंधित कई जानकारियाँ देते हैं, साथ ही कई उपाय भी बताते हैं अपनी कथाओं के माध्यम से। इन उपायों को अगर जीवन में उतारा जाए, इन विशेष जानकारियों को जीवन में उतारा जाए तो जीवन जो है बहुत सुखमय बन जाता है। तो उन्हीं की आज एक जानकारी विशेष आप सभी को देना चाहूँगी जो हमेशा आपके काम आएगी। जीवन में अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो इन बातों को कभी किसी को ना बताएं। कई बार होता क्या है, हमारा कोई दुख तकलीफ़ आ जाती है या हम बहुत खुश होते हैं तो इन बातों को कहीं ना कहीं सभी व्यक्तियों को बता देते हैं, तो उसका परिणाम हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ता है। हो सकता है वह व्यक्ति आपके साथ जो है उन चीज़ों को लेकर आपको किसी भी तरह से प्रतिष्ठा को आपके नुकसान पहुँचाए, आपकी बातें करें, या कहने का अर्थ है किसी न किसी रूप में हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी यह चीज़ें जो है नुकसानदायक होती हैं। तो इन चीज़ों का आप सभी को ध्यान रखना होगा। तो देर ना करते हुए सबसे पहली चीज़ है, अगर आप कोई उपाय कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, या भगवान के कोई अनुभव आपको हो रहे हैं, तो उसे तुरंत खुशी खुशी कई लोग जो है तुरंत बता देते हैं, अरे मैं तो ये उपाय कर रही हूँ इससे मुझे संतान प्राप्ति होगी, अरे मैं तो ये उपाय कर रही हूँ मुझे तो पूजा पाठ में यह अनुभव हो रहे हैं, भगवान मुझे इस तरह से दर्शन दे रहे हैं, मैं तो यह माला का जाप कर रही हूँ, यह सही नहीं माना जाता। वेद शास्त्रों में वर्णन है, किसी भी कार्य को करने से पहले थोड़ा सा रुकिए, सोचिए, समझिए कि इसका परिणाम क्या होगा। अगर आप किसी भी चीज़ के भक्त हैं, श्री शिवाय मंत्र को मानते हैं या कोई उपाय कर रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी न किसी कारण से आप उसे कर रहे हैं और तुरंत उसे आपने बता दिया और वह फलित नहीं हुआ या मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, तो लोग बाग आपकी सबसे पहले मजाक उड़ाएंगे, अरे देखो किस तरह से इन कार्यों को करने जा रही थी, देखिए किस तरह से भगवान को मानती थी, आज देखिए इसके जीवन में क्या हो रहा है। इसके साथ ही वह परिणाम अगर माना, आप ये मान लीजिए कि इसके पीठ पीछे यह भी बात करेंगे, देखिए कैसे अज्ञानों जैसी बात करी, आपको आपके मार्ग से वह भटकाएंगे कि आप भक्ति के मार्ग पर हो, आपके विश्वास को तोड़ेंगे, आप जिस भी देवता को मानते हैं, अरे नहीं, अरे ये तो इस तरह से है, कहने का अर्थ है आपको अनुभव होना बंद होंगे, कहीं ना कहीं उन उपायों को पूर्ति होने में बहुत अधिक समय लगेगा, क्योंकि आपका मन जो है कहीं ना कहीं दुखी हो जाएगा, अरे यह होगा या नहीं होगा, विश्वास भी कहीं ना कहीं कम पैदा होगा उन चीज़ों में। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी उपाय, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं मंत्र जाप, तो उसे जो है अपने तक ही सीमित रखें। जब वह पूर्ण हो जाए तो खूब आराम से बताइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु जब तक वह पूर्ण ना हो तब तक उसे किसी को ना बताएं। ऐसे में इससे बहुत अधिक आपको लाभ होगा, एक तो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तब बताएंगे, तो मान लीजिए वह सिद्ध हो जाएगा, आपकी मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, अगर यह सिद्ध नहीं हुआ तो पीठ पीछे आपकी ही जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुराई होनी ही है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ हो गई, आपके पास कितना धन है। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, तो अगर पति पत्नी में कोई भी छोटी मोटी नोक झोंक हो रही है, सास बहू में हो रही है, या घर कलेश कुछ भी हो रहा हो, तुरंत जो है उसे समाज में ला दिया, होगी वह बात छोटी सी परंतु वह समाज में बहुत अधिक दिखाई जाएगी, महिलाओं की विशेष रूप से यही आदत होती है। तो थोड़ा सा रुकिए, सोचिए, समझिए, कोई सास बहू में छोटी मोटी अनबन हो रही है तो अनबन किसके घर में नहीं होती, थोड़ा रुकिए, उसे अपने तक ही रखने का प्रयास कीजिए। और साथ ही मैंने जैसे बताया आपके पास कितना धन है, इसे कभी किसी को ना बताएं, खासतौर पर अपने बच्चों को, अपने घर के बाहर के लोगों को, इससे आपके बहुत अधिक नुकसान होने के चांसेस होते हैं। होता क्या है, उस धन को बताते हैं हम दुनिया को, हमारी संतान जो है परिश्रम नहीं करना चाहती, आपने बहुत मेहनत से वह धन कमाया है, परंतु उन्हें को पता है उनके पापा के पास पैसे हैं, उनकी माँ कमाती है, उनके पास वह पैसे हैं, वह कभी भी मेहनती नहीं होंगे और वह खराब रास्ते पर चलते चले जाएंगे। और समाज में भी अगर आप अपने पैसे के बारे में बताएंगे तो कहीं ना कहीं लोग जो है, अगर आप अच्छा करेंगे तो भी उसमें कमी निकालेंगे, बुरा करेंगे तो भी उसमें कमी निकालेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही आपके बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लगाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो तुरंत जो है यह ना कहें कि मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, मेरे बच्चे तो सब कार्य कर लेते हैं। नज़र कहीं ना कहीं बहुत असर करती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आपके बच्चे उस कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं असफल हुए तो आपके बच्चों को भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अरे देखिए उसकी मम्मा तो कहती थी कि उसके बच्चे उतना पढ़ने में होशियार हैं, आपके बच्चे भी इससे प्रभावित होंगे, डीमोटिवेट होंगे, अर्थात हतोत्साह
उत्साहित होंगे, तो इस बात का आप सभी को ध्यान रखना होगा कि जो भी बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, सोचिए समझिए, अपने ऐसे खास अपने पति को बताइए, परंतु बाहर के लोगों को कभी भी एकदम से अपने घर की कोई भी बात बताने से बचे। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए मददगार रहेगा, इसे ज़रूर अमल में लाइएगा, जीवन में बहुत सुख समृद्धि होगी। हर हर महादेव। श्री शिवाय। नमस्तुभ्यम।